इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कितनी बड़ी बात, भगवान ने सुग्रीव को लाड लड़ाया और कहा मेरा कार्य संपन्न कराया। आप तो जानते हैं, भगत हैं हम, आप भगवान को आसुरी वृत्तियों का समापन करने के लिए वानरी सेना अनिवार्य नहीं है। बाबा जामवंत क्या कहते हैं, कपिसेन संग संहार निशिचर राम सीत ही आनी है। कपि की सेना क्यों रहेगी, आ तो साथ के लिए। जब वानरी सेना को कुछ करना ही नहीं है हो तो साथ रहने की क्या आवश्यकता है। रावण यह न जान जाए कि हम परमात्मा, आगे लंका कांड में दोहा है, श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। किसके प्रताप से, भगवान के प्रताप से। और चर्चा क्या है, नल नील ने पुल बांध दिया नहीं। कथा कौन गा रहा है, प्रेम भूषण गा रहा है नहीं, भगवान इससे गवा रहे हैं इसलिए गा पा रहा है। जीव के बस का है, अपना क्या है, आप कर ही नहीं सकते, नहीं आप सुन सकते, नहीं हम गा सकते नहीं। भगवान सेवा ले रहे हैं जब तक, तब तक हम गा रहे हैं, गवा यही रहे हैं, हम नहीं गा रहे हैं। जय पर कृपा करें जनु जानी कभी पुर अजीर नचावही, ये मानते रहो भगवान करा रहे हैं। कपियों को इसलिए साथ लेना है कि नारद जी ने शाप दिया था, उनका वचन सत्य न हो जाए। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिहि कीस सहाय तुम्हारी। वानर लोग क्या करेंगे वहां, वो सब मायावी हैं असुर लोग। भगवान अपने रामत्व को रावण के अंतिम विदा तक छिपा करके रखे, क्यों, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। ये क्या अद्भुत चरित्र है हो, देखिए किसी बात को प्रकट कर देना सरल है, लेकिन किसी बात को जीवन भर, समय भर, एक साल, एक दिन छिपाए रखना बहुत कठिन है। छिपाना कठिन है, कह देना सरल है। परमात्मा ने अपने स्वरूप को छिपा करके रखा। रावण मरते ही नहीं, ये तो भगवान है, और भगवान से हमारी मृत्यु नहीं लिखी है। पितामह ब्रह्मा, आपने कहा मनुष्य मारेंगे तो मैं तो मरूंगा नहीं। एक प्रसंग बस विनोद की कथा है, स्मरण आ गई आपको सुनाऊं, कितना महत्व है। एक नगर में रामलीला हो रही थी, एक नगर में रामलीला चल रही थी। भरत मिलाप के पहले रावण मरता है तो ठाकुर का अभिषेक होता है, उसको राज्याभिषेक महोत्सव कहते हैं। तो नेपथ्य में बैठा जो उद्घोषक, वो ऐसा करो वैसा करो करता रहता। इधर भगवान ने एक साथ 31 बाण छोड़ा लेकिन रावण मरा ही नहीं। अब लीला में 25,000 लोग बैठे हैं, रावण मर ही नहीं रहे, भगवान बार बार 31 छोड़ रहे हैं, मर ही नहीं रहा। अब आयोजकों के हाथ पर फूल गए कि भाई एक बार में मर गया था ये वाला रावण, तो मर ही नहीं रहा।
तो नेपथ्य से उसने पूछा, भाई एक बार हो गया, दो बार, तीन बार, आप मर क्यों नहीं रहे हो, मरो। उसने कहा, पिछली बार की दक्षिणा बकाया है, वो देव पहले और इस बार की भी देव, तब मैं मरूंगा। भैया आयोजक मरता क्या न करता। रावण ने अपने सेवक को पहले दक्षिणा दिलवाई, तब प्रसंग पूरा हुआ। ये जीवन में व्यवहार न ऐसा आए कि हम लीला में भी रुग्णता दर्शन कर। ये मैंने आपको हल्का करने के लिए कहा, कथा से इसका कोई संबंध नहीं। जीवन में रुग्णता न आए, ये रुग्णता आपके चलते चलाते उत्सव को भी रुका दे। किसी के साथ आप व्यवहार में जी रहे हो, नहीं, व्यवहार में भी सहज जीने की आदत डालो। प्रभु के आदेश से सुग्रीव जी ने दसों दिशाओं में कपियों को भेजा। सबसे पश्चात श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों में वंदन किया। एक बात अद्भुत है यहां, भगवान का कार्य कौन करेगा, इसकी रचना भगवान बना के रखते हैं। कौन करेगा, पाछे पवन तनय सरुनावा, जान काज प्रभु ने कर पर करमोद्रिका दीन जनु जा। भगवान ने श्री हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा, शरीर वज्रवत बना दिया और प्रेम मुद्रिका निकालकर, राम नाम अंकित मुद्रिका निकालकर श्री हनुमान जी को दिया। दो बात कही प्रभु ने, बहुत प्रकार से सियाजू को समझाइएगा, बहु प्रकार से तही समझायो। एक कही बल, कहे का मेरा बल, बिरह कैसा जैसा तुम अनुभूति में ले, बेग तुम आयो। भगवान ने दो बात कही, बहुत प्रकार समझाइएगा, क्यों सियाजो अकेले रह नहीं सकती, जब अयोध्या जी में नहीं रह पाए तो लंका में कैसे होंगी, कहां होंगी, कहां होंगी। ये भगवान ने तुम नहीं बताया ना कि कहां है सियाजो, भगवान ने ये भी नहीं बताया कि सियाजो लंका में। आजकल किसी नौजवान को काम बता दो तो वो पहले पूछता है तो किससे मिलना होगा, भगवान शिव जी को बुलाना, मां मृत्युंजय को, किससे मिलना होगा, चलो जाओ। मार्ग बनाओ, ढूंढो किससे मिलना है। हमारे वृंदावन से पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज पधारे, ये आज चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे, महाराज मैं तो सत्संग करता करता रिव आ गया, सुना कथा चल रही तो थोड़ा राम राम हो जाए। पूज्य ज्ञानंद जी महाराज की कृपा पात्र हैं, वो तो गीता मनुष्य हैं, हमारे बड़े ही सुहृद और कृपालु हैं। तो मैं कहा, महाराज भगवत भगत तो दुनिया में कहीं भी मिल जाते, कहीं भी आप जाओ भगवान के भगत लोग मिल जाते। भक्तों बिना धरती कहीं रित नहीं है, भगत मिलेंगे ही मिलेंगे। दो तीन चीजों की उपलब्धता सर्वत्र रहती है, भगवान ने पता नहीं बताया, लेकिन दो बात क्या कही, बल बीरह। हनुमान जी बीरह क्या जाने, नहीं सब जानते, किसी के हृदय की वो जान सकता है जो उसमें जी रहा हो, उसमें जीना पड़ेगा।
राजा प्रजा के भाव को तब समझ सकता है जो राजा प्रजा में जीता है। और हम तो जो चाहे वो कर लेंगे और प्रजा चाहे जैसे करे, ये राजा समझ नहीं पाएगा। चक्रवर्ती जी महाराज प्रजा के भाव को समझते थे। राजा भगवान का अंश होता है, प्रजा की प्रार्थना पर राजा को लंबी आयु प्राप्त होती है। देखिए बहुत प्रकार समझाना है। बल और विरह कहकर शीघ्र लौटिएगा, सुंदरकांड पूरा हुआ है, इसी एक पंक्ति में पूरा सुंदरकांड है। श्री हनुमान जी ने जाकर मां को समझाया, भगवान का बल सुनाया, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। अरे निश्चर मारी तो ही ले जाई है तिहपुर नारदाद जस। मां का प्रश्न खड़ा हुआ, बेटा सारे वानर आप जैसे हैं कि थोड़ा बड़े बड़े भी हैं? मोरे हृदय परम संदेह। ये निजाचर तो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे है। श्री हनुमान जी ने अपना स्वरूप दर्शन कराया। जय श्री राम। कनक बहुधराकार श्रीला समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोसा बोले लगरो। भगवान का कोई भक्त, भगवान का प्रिय, भगवान का अनन्य दिखता छोटा है। जब अवसर आता है तो बड़ा होता है। भगवान का भक्त तो बहुत संकोच में रहता है, वो अपना प्रदर्शन नहीं करता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।